बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर एक बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है और एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली बीमारी है। इसके बारे में हर मेडिकल स्टूडेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है, इसके इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। तो इस छोटे से लेक्चर में हम इन सब कॉमन बातों को कवर करेंगे इंशाल्लाह। डेंगू फीवर के दो प्राइमरी वेक्टर्स हैं, एडीज एजिप्टाई एंड एडीज एल्बोपिक्टस। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन है वो एडीज एजिप्टाई है। दोनों कॉमन है, बट एडीज एजिप्टाई इज द मोस्ट कॉमन कॉजिंग डेंगू फीवर एज कम्पेयर टू एडीज एल्बोपिक्टस। ये फीमेल मॉस्किटोज है और इसकी जीनस जो है वो फ्लेवी वायरस है। डे टाइम में एक्टिव होते हैं, ठीक है, और कॉमन है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें रीजन्स आते हैं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिकास वगैरह। ठीक है, अब इसकी जो है अफेक्टेड कितनी पॉपुलेशंस को अफेक्ट करते हैं पर ईयर, 100 मिलियन पॉपुलेशंस को अफेक्ट करते हैं, जिनमें से 75% पॉपुलेशन एसिम्टोमेटिक होगी। ठीक है, इन्फेक्टेड है बट सिम्टम्स नहीं है। 25% और 1 in 4 मीन्स हर 4 में से एक बंदा या 100 में से 25% लोग ऐसे होंगे जो सिम्टम्स कॉज कर देंगे। टिपिकल सिम्टम्स जो डेंगू फीवर के होते हैं जिसमें आ जाते हैं फीवर, माइल्जियास, आर्थ्रेल्जियास, मोनिक्स, इंट्राऑर्बिटल पेन वगैरह। ठीक है, और इन 25% में से 0.5 to 5% पीपल ऐसे होंगे जिनको स्वेयर इलनेस होगी। ठीक है, अगर इन स्वेयर इलनेस को, ये डेंगू फीवर को टाइमली ट्रीट नहीं किया जाता तो मोर्टेलिटी रेट कितना बढ़ जाता है, 10 to 20%। दिस इज द डेंगू फीवर मोर्टेलिटी रेट। लेकिन अगर इसको टाइमली ट्रीट कर लिया जाता है तो मोर्टेलिटी रेट कम होकर ओनली 1% तक रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंगू फीवर के और कौन कौन से नाम हैं। डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, डेंगू फीवर भी कहते हैं और 7 डे फीवर भी कहते हैं। 7 डे फीवर इसलिए कहते हैं कि यूजली डेंगू फीवर का जो फीवर होता है वो 7 डेज तक का होता है। ठीक है, अब इसके 3 फेसेस आते हैं, फेब्राइल फेस, क्रिटिकल फेस एंड रिकवरी फेस। फेब्राइल फेस में क्या होता है, फेब्राइल फेस के अंदर हाई ग्रेड फीवर होगा ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस और 104 फॉरनहाइट तक का। ठीक है, इसके अलावा साथ में हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, दीज आर द जीआईटी सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी में देखें तो सोर थ्रोट, इसके अलावा आर्थ्रेल्जिया, माइल्जिया, ठीक है, इसके अलावा लंबर एक्स होगा और रिट्रो ऑर्बिटल पेन, रिट्रो ऑर्बिटल पेन ऑन आई मूवमेंट्स। ठीक है, आंख के पीछे वाले हिस्से में जो है वो बैक ऑफ द आई पेन होगी ऑन आई मूवमेंट्स पे, लंबर एक्स होगा। ठीक है, लंबर रीजन में पेन होगी, माइल्जियास, आर्थ्रेल्जियास, सोर थ्रोट, वॉमिटिंग, नोजिया और फीवर हाई ग्रेड का होगा, सडन हाई ग्रेड फीवर। इसके अलावा होता है ब्लांचिंग मैक्यूलर पेपुलर रैश। ब्लांचिंग मैक्यूलर पेपुलर जो रैश होता है ये मोस्टली फीवर की सेकेंड स्पाइक के साथ आता है। बेसिकली कहते हैं कि डेंगू फीवर के जो 7 डे फीवर होता है यानी 1 वीक के अंदर फीवर के 2 स्पाइक्स आती हैं। होता क्या है कि पहले जो है वो 24 to 48 आवर्स के लिए फीवर होता है, हाई ग्रेड होता है। ठीक है, उसके बाद 3rd डे जो होता है फीवर खत्म हो जाता है और 3rd डे पेशेंट बिल्कुल वेल फील करता है। ठीक है, लगता है उसको कि मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे फीवर नहीं है। लेकिन 4th डे पे नेक्स्ट डे में दोबारा से फीवर की स्पाइक आती है, हाई ग्रेड फीवर होता है। तो इस पैटर्न को, यानी एक बार फीवर बीच में बिल्कुल नॉर्मल हो गया और दोबारा से फीवर की स्पाइक आती है, तो इस पैटर्न को हम कहते हैं सैडल बैग पैटर्न। ठीक है, ये हर पेशेंट पर नहीं होगा, सिर्फ 6% जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होंगे उनमें 6% केसेस में सैडल बैग पैटर्न होता है, हर केस में नहीं होता। तो कहते हैं कि जो फीवर की सेकंड स्पाइक आती है उसके साथ मैक्यूलो पेपुलर रैश होता है जो कि ट्रंक से फिर एक्सट्रीमिटीज की तरफ फैलता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि अब क्रिटिकल फेज के क्या अलामत है।
डेंगू फीवर का जो क्रिटिकल फेस होता है उसमें वार्निंग साइंस होते हैं डेंगू फीवर के। वार्निंग साइंस में लाइक एब्डोमिनल पेन होगी, परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगी, फीवर की जो हाई रेट होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लाइक अगर हम पहले बात की थी 40 डिग्री सेल्सियस में होते हैं तो इसमें 37.5 से 38 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, ये इससे भी कम हो सकता है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन होगी, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, इसके अलावा जो है क्लिनिकल फ्लूइड हमें नजर आएगा एग्जामिनेशन के ऊपर, लाइक पेरिटोनियल फ्लूइड, इसे हम लिख देते हैं एसआईटी फ्लूइड, एंड प्लूरल इफ्यूजन। बेसिकली क्रिटिकल फेज होता इसलिए है कि इसमें जो कैपिलरी परमीबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीज कैपिलरी परमीएबिलिटी। ठीक है, इसके बाद से फिर प्लूरल इफ्यूजन जो हम एग्जामिनेशन हमें पता चलेगा, एब्डोमिनल पेन होगी, ठीक है, टेंडर भी हो सकता है, और परसिस्टेंट वॉमिटिंग, फीवर इतना होगा। इसके अलावा साथ में इसके आप देख सकते हैं कि पेशेंट जो है वो लिथार्जिक और रेस्टलेस होगा, ठीक है, और म्यूकोजल ब्लीडिंग होगी। इस केस को हम कहते हैं कि डेंगू हेमरेजिक फीवर है। ठीक है, म्यूकोजा ब्लीड करना शुरू करता है, गम्स की ब्लीडिंग होती है, नोज से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लड इन वॉमिटिस के साथ ब्लड आता है, और ब्लड इन स्टूल, ठीक है, ब्लडी स्टूल, ब्लडी वॉमिटस। इसके अलावा म्यूकोजल ब्लीडिंग में गम्स की ब्लीडिंग, नोज की ब्लीडिंग, जितने भी हमारे पास ओपनिंग्स हैं म्यूकोजा की, वहां से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, कैपिलरी परमीबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। अगर हम इसके साइंस देखते हैं यानी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो वहां पर हमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिलता है, ठीक है, प्लेटलेट काउंट कम मिलते हैं। इसके अलावा ल्यूकोपेनिया मिलता है, WBC कम, और हिमेटोक्रिट जो है वो इंक्रीज मिलता है। ठीक है, अब ये जो क्रिटिकल फेज है, ये जो वार्निंग साइंस है, ये फर्दर स्वेयर यानी कि इससे भी ज्यादा डेंजर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसमें क्या होता है, फिर शॉक, शॉक होता है, और शॉक लीड्स टू फिर ऑर्गन डिसफंक्शन। ठीक है, ऑर्गन डिसफंक्शन में क्या क्या आ सकता है, ऑर्गन डिसफंक्शन में अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल जो है, न्यूरोलॉजिकल कौन कौन सी मैनिफेस्टेशंस आएंगी, तो उसके अंदर मेनिनजाइटिस, इनकेफलाइटिस, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल की मैनिफेस्टेशंस होंगी। इसके अलावा अगर बच्चों में फेब्राइल सीजर्स हो सकते हैं, अगर हम किडनी में देखें एक्यूट किडनी इंजरी, किडनी फेलियर, लिवर में लिवर हेपेटाइटिस, ठीक है, किडनी में एक्यूट किडनी इंजरी, लिवर में लिवर हेपेटाइटिस, लिवर फेलियर हो सकता है। और अगर हम लंग्स की बात करें तो इसमें हमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मिल सकता है, ठीक है, और नमूनिया हो सकता है सुपर इम्पोज्ड। इसके अलावा अगर हम बात करें हार्ट की, तो उसमें पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस यानी स्वेयर मायोकार्डियल इंजरी हो सकती है। तो दीज आर द क्रिटिकल फेज, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ क्रिटिकल फेज, जिसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि कौन से साइंस हैं जो कि स्वेयर डेंगू की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब मोस्टली थियरीज ये कहती हैं कि जो डेंगू फीवर स्वेयर होता है वो यूजली फर्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम नहीं होता, जब एक टाइम में यानी फर्स्ट टाइम में अगर दो सीरोटाइप्स इकट्ठी अटैक करती हैं, या फिर एक बार इन्फेक्शन होने से बंदा ठीक हो गया, इन्फेक्शन और उसको मेंटेन कर दिया, दोबारा किसी और सीरोटाइप से अगर उसको इन्फेक्शन हो गया फिर कहीं जाके, तो फिर जो है ये दो इन्फेक्शन की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो मिलकर सवेयर डेंगू कॉज करवाते हैं, जिसके अंदर हेमरेजिक फीवर और ये शॉक सिंड्रोम आता है। ठीक है, अगर मैं दोबारा से इसको एलेबोरेट करूं तो इसका मतलब ये है, कहते हैं कि अगर दो सीरोटाइप्स एक साथ जो है वो अटैक करें, ठीक है, जिसकी वजह से सवेयर डेंगू होता है, या फिर वन जीरो टाइप ने फर्स्ट टाइम अटैक किया तो उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप होगी, एंटीबॉडीज डेवलप होगी। अब ये एंटीबॉडीज जो है पेशेंट के
इम्यून सेल्स हैं जो कि पेशेंट के ब्लड के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि पहले टाइम जब इन्फेक्शन हुआ था तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी थी ये उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है उस सीरोटाइप के अगेंस्ट जिस सीरोटाइप से ये इन्फेक्शन हुआ था। अब ये उस सीरोटाइप की एंटीबॉडीज पड़ी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट कोई और सीरोटाइप आती है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि दोबारा से तकरीबन कुछ अरसे के बाद से हमने कहा था कि बाकी सीरोटाइप से भी तकरीबन 1 से 2 साल तक इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है, तो तकरीबन हम कहते हैं कि 3 साल बाद 3 ईयर्स लेटर दोबारा से इसको इन्फेक्शन हुआ। अब वो इन्फेक्शन का जो वायरस आएगा वो क्या करेगा, पहले से जो एंटीबॉडीज पड़ी हुई है तो ये वायरस उनके साथ जाके एक वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जनरेट कर देगा। ये जो वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होगा, ये वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनता है, वो कहते हैं कि जो इम्यून सेल्स होते हैं उनके ऊपर लगे होते हैं एफसी रिसेप्टर्स। जब ये वायरस इसमें एफसी रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैक करता है तो होस्ट सेल्स की जो है वो फेवर इन फेवर करते हैं उस वायरस की कि वो होस्ट सेल्स के अंदर आए और वायरस जो है वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। जब वायरस की रेप्लिकेशन होती है तो ये सारे वायरस जब रेप्लिकेट करते हैं तो ये फर्दर इम्यून सेल्स को एक्टिव करते हैं, फर्दर एंटीबॉडी जनरेट होती है, ठीक है। इम्यूनिटी जो है वो इन्हांस होती है और वो इन्हांस जो इम्यूनिटी होती है वो जो है वो ऑर्गन्स डिसफंक्शन कॉज कराती है, ठीक है। तो एक सीरोटाइप से एक बार इन्फेक्शन हुआ उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप हो गई, दोबारा से इन्फेक्शन हुआ उसी जो इम्यूनिटी थी यानी एंटीबॉडी जो बनी हुई थी उसने काम खराब कर दिया, उसने उन्हीं वायरस के साथ मिलके जो विरियोन पार्टिकल्स थे उनके साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाया, फर्दर एंटीबॉडीज को एक कैस्केड चला दिया, मजीद वरियन जो है वो रेप्लिकेट होते रहे, वायरस रेप्लिकेट करता रहा, एंटीबॉडी जनरेट होती रही और उसी एंटीबॉडी ने जो है फिर अटैक कर दिया एंडोथेलियल सेल्स को, हैमरेज हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, शॉक में चला गया पेशेंट और शॉक की वजह से ऑर्गन डिसफंक्शन हो गया। दिस इज द थ्योरी जो क्रिटिकल फेस की है कि स्वेयर डेंगी क्यों होता है, ठीक है। ये पूछता कोई नहीं है कि मैकेनिज्म पीछे क्या है, लेकिन पूछा जा सकता है बिकॉज डेंगी वायरस जो है ये डेंगी फीवर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है हमारे एरियाज में और बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है, तो इसमें कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। अब उसके बाद रिकवरी फेज, वो ये कहते हैं कि रिकवरी फेज के अंदर बेसिकली होता ही है कि जो हमारे पास एंडोवेस्कुलर वॉल्यूम था, एक्स्ट्रा सेलुलर जो वॉल्यूम था जिसमें कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हुई हुई थी और एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम बढ़ गया था, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर वॉल्यूम जो है उसकी ग्रेजुअल रीअब्सॉर्प्शन होती है, ठीक है। ग्रेजुअल रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है एक्स्ट्रा वैस्कुलर वॉल्यूम की इन 2 to 3 days और इस तरह से भी ये रिकवरी फेज आ जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट की। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हम NS1 एंटीजन की डिटेक्शन करते हैं बाय PCR के थ्रू, ठीक है, और एलाइजा इसके अलावा हम कल्चर कर सकते हैं और एंटीबॉडीज डिटेक्शन यानी सीरोलॉजिकल टेस्टिंग। आगे हम देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में है कि अगर वार्निंग साइन नहीं है तो आपने सिंपल ओपीडी बेसिस पे ट्रीट करना है और पैरासीटामोल देनी है, एडिक्वेट फ्लूइड्स देनी है। अगर वार्निंग साइन जहन से पीछे हमने पढ़ा है क्रिटिकल फेस में तो उसको एडमिट कर लेना है, ठीक है। IV के स्टेरॉइड्स देने हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है अगर उसको सीरियल शॉक में है या पल्स एब्सेंट है और पेशेंट अनस्टेबल है। अगर प्लेटलेट काउंट जो है वो 20,000 से कम है, तो 20,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर से कम है तो हमने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी करनी है। इसके अलावा डेमिक एरियाज में जाने से परहेज करना है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करने हैं। जैसे हमने बात की कि डे टाइम पे ये मोस्टली एक्टिव होते हैं, तो डे टाइम में अगर स्लीपिंग मतलब स्लीपिंग के दौरान हमने नेट्स का यूज करना है और पूरे स्लीव्स वाले कपड़े पहनने हैं, प्रॉपर जो है वो कवर करना है बॉडी को, ठीक है। इसके अलावा जो है वो वेक्टर ब्रीड जो प्लेसेस होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है, इनको हमें क्या करना है डिस्ट्रॉय, ठीक है, जहाँ पे ये नशीमा आते हैं और ठीक है जो ब्रीड प्लेसेस होती हैं जहाँ पे जो है वो अपनी फर्दर प्रोजेनी को इंक्रीज करते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट डेंगी फीवर। आई होप के एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया होगा। तो इंशाल्लाह इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए
इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।